सरिता जी, आपने जो उस टाइम पे एक बहुत इमोशनल डिसीजन लिया था, बिकॉज यू वर एक्सट्रीमली हर्टफुल ऑफ द डिसीजन दैट वाज टेकन, उसकी वजह से आपने ये जो डिसीजन लिया था कि ब्रॉन्ज मेडल आप वापस लौटाना चाहती हैं, व्हाट रियली वाज गोइंग इनटू योर माइंड? ये डिसीजन लेकर आप एग्जैक्टली क्या मैसेज उस टाइम मैंने डिसीजन उस टाइम डिसीजन क्योंकि मैं उस टाइम में जो भी डिसीजन लिया, मैंने मेडल एक्सेप्ट करने के लिए मैं मेडल सेरेमनी में गया, तब जो मेरा इंडिया का फ्लैग है नंबर वन में होना चाहिए था, नंबर थ्री में देखा तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं हो पाया। तो उस टाइम में जो मेरा मन में आया, मैंने जो मेडल सेरेमनी में जो मेरा मन में आया वो कर दिया मैंने, जो मेरा जो इंडिया फ्लैग को सबसे लास्ट में देखा, नंबर वन में होना चाहिए था, लास्ट में देखा तो मैं रुक नहीं पाया, ऐसे जो भी हुआ उस वजह से हो गया। हमें लगता है कि आप, हमने पूरा मैच देखा था, उस मैच को देख के यही लग रहा था कि आप ही फेवरेट थी उस मैच को जीतने के लिए, लेकिन जब डिसीजन आया कि आप मैच हार गई हैं, उस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई होंगी, बहुत ज़्यादा दुखी हुई होंगी, क्योंकि आपने ज़्यादा पंचेस मारे, ज़्यादा आपके कॉम्बिनेशन थे, वो भी पावरफुल पंचेस थे, वो भी फेस पे, उसके बावजूद भी ऐसा डिसीजन आया, बहुत दुखी होंगी। हाँ, उस टाइम में एकदम मैं भी शौक लगा, क्योंकि हाँ विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे हरा दिया गया इतना वन साइडेड बाउट में, काफ़ी टाइम रिंग में मैं हंसना भी आया, मैं हंसा भी था रिंग के अंदर में, जो क्या क्या हो गया मेरे साथ ऐसे सोच के, फिर तब नीचे में आके मुझे एकदम बहुत ख़राब लगा था, क्योंकि जो भी मैंने मेहनत किया एक मिनट में सब ख़त्म किया, मैं जो भी मैंने अपना बेटे तक सेक्रीफाइस किया वो सब उस टाइम में ख़त्म कर दिया, तो बहुत ज़्यादा दुख लगा था मुझे। हम सब ने देखा था कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड थी उस वक्त तो, लेकिन जैसे ही आपको जब ये डिसीजन मिला और आपको पता था कि आपने ज़्यादा अच्छा खेला है, ज़्यादा पंचेज मारे हैं, तो उसके बाद आपका अगला एक्शन क्या था? आपने क्या सोचा था कि क्या मैं इसको अपील करूँगी, जल्द से जल्द अपील करूँगी, तुरंत जाऊँगी और इस डिसीजन के अगेंस्ट अपना अपील फाइल करूँगी? काफ़ी टाइम हमने करने के लिए कोशिश किया, अंदर आधा घंटा के अंदर में करना है, मेरा हस्बैंड ने जो भी मेरा हस्बैंड आया था मेरा साथ, वो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो उस टाइम में जो भी उसे हमसे हुआ उस टाइम में कर लिया हम। तो हमें ये भी जानना था कि आपको आईओए ने कितना उस वक्त, आईओए ने क्या आपको मदद की या नहीं की, क्योंकि हमने ये भी सुना कि अपील फाइल होने में लेट हो गया, आपको $500 चाहिए थे अपील फाइल करने को, वो आपके पास नहीं थे। वो बात तो हमने कितना, मैंने कितना बार बोल चुके हैं, मैं कई बार मैं बोल चुके हैं उसके बारे में, तो आप इसके बारे में कई बार बोल चुके हैं, जो भी मेरा साथ हुआ है गलत हुआ है, लेकिन मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहता है, किसी खिलाड़ी के साथ दोबारा ऐसे मत करो, वही सिर्फ बोलना चाहती हूँ मैं। बट कैसे आपको लगता है कि क्या लगता है, जैसे हमें भी लगा, बट आपको कैसे लगता है कि आपने ही वो बाउट जीता था, क्योंकि हम मैच बाई मैच, हम एक ग्राउंड के बाद दूसरा राउंड का जब रिजल्ट देखते थे तो एक बाउट आपके नाम पे जाता था, तो एक बाउट जीना पार्क के नाम पे जाता था, तो आपको कैसे लगता है आपने वो बाउट ज़्यादा जीता, क्या आपने कॉम्बिनेशन ज़्यादा मारे, या आपने ज़्यादा डोमिनेट किया, या लास्ट राउंड में ज़्यादा नहीं फास्ट राउंड से सब जो बाउट है, सेकेंड राउंड में आरएससी का कई काउंटिंग भी दे सकते थे, वो जो लड़की है कोरियन के लड़की, वो तो मार भी नहीं पा रहे थे मुझे, बार बार पकड़ रहे थे, तो वार्निंग भी नहीं मिला उसको, पूरा फुल सपोर्ट उसको किया हुआ है, लेकिन मैंने रिंग के अंदर में भी मैंने सेकेंड के टाइम में जो हाफ टाइम में मैंने पूछा भी था कोच में, क्योंकि मेरा थोड़ा डाउट रहा गया, क्योंकि रिंग के अंदर में तो पता चल रहा था मैं बहुत मारा है उसको, वो मार भी नहीं पा रहे, बार बार मुझे पकड़ रहे, तो मैं पूछा भी है, क्योंकि होम टाउन है, इसको सपोर्ट भी कर सकता है, 19-20 होने से तो वो लोग सपोर्ट करेगा, मेरा मन में था वन साइडेड उसको मारना था, तो मैंने वन साइडेड भी मारा, फिर भी मेरे विश्वास नहीं हो रहे थे वन साइडेड बाउट में कोरिया को सपोर्ट करेगा, मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि 19-20 होते तो ये कोरिया को सपोर्ट करेगा मुझे मालूम था, तो जो वन साइडेड बाउट भी सपोर्ट कर लिया तो मैं एकदम शॉक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भी दुखी हैं कि आपको वो मेडल नहीं मिल पाया जो आप डिज़र्व करती थी सरिता जी। बट सरिता जी, मुझे ये भी जानना था कि क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि ये होम टीम साउथ कोरिया थी, इसलिए ये परेशानी हुई, या फिर
कोई और भी कारण हो सकता है, क्योंकि हम सुनते हैं होम टीम को बहुत फेवर मिलता है हमेशा। किस बारे में? नहीं नहीं, कोई और कारण नहीं होता। खेल गेम के टाइम में जो मैंने इतना मेहनत किया है, मेरे बेटे तक छोड़ के मेहनत किया है, जो मेरे बेटे मुझे नहीं पहचानता है, सब कुछ सैक्रिफाइस करके मैंने अपने देश के लिए फ्लैग ऊपर करना है सोच के मैंने आया, जो एक मिनट में सब सपना ख़त्म किया हो, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। हमें एक और जाना तो ये था कि हम जब मेडल सेरेमनी देखे, सरिता जी, जब हम मेडल सेरेमनी देख रहे थे तो आपको मेडल पहनाने जा रहे थे, लेकिन आपने उस मेडल को नहीं पहना और आपने अपना खुद वो मेडल लिया और जीना पार्क को पहनाया। आप उससे क्या मैसेज देना चाहती थी लोगों को, आप क्या कहना चाहती थी उनके? क्योंकि जो मेडल दिया है वो मेरा मेडल नहीं था, जो मेडल दिया है मेरा मेडल तो नंबर वन है, गोल था, जो गोल है वो चाइना कलर की भी ये वो पुराना बॉक्सर है, जो अच्छा बॉक्सर है मैंने सब डोमिनेट करके आ गया सेमीफाइनल तक, तो वो नकली बॉक्सर के साथ मैं एक आराम से हरा दिया, तो उस टाइम में मतलब जो मैंने अपना देश का जो फ्लैग ऊपर करना चाहता था उस साइड में नीचे में देखा, तो फिर मेरा नेचुरली मैं जो मेरा जो मेडल था वो मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, जो मेरा मेडल नहीं है, जो गोल था, गोल होना चाहिए, वही प्रूव करना चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने, आप उससे ज़्यादा अच्छा मेडल डिजर्व करती थी, आप गोल्ड डिजर्व करती थी, लेकिन आप दुर्भाग्यशाली रहीं, आप अनफॉर्चुनेट रहीं उस वक्त कि आप उस वक्त फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई उस खराब डिसीजन के वजह से। लेकिन अभी अभी जैसा कि लेकिन कहा गया कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने, उन्होंने कहा है कि आपका मेडल तो रीइंस्टेट कर लिया है, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि ताकि आगे कोई खिलाड़ी ऐसा ना करे वो आपके अगेंस्ट टफ एक्शन लेंगे, तो आपको उस बात का डर है कि आप पे बैन लग सकता है या आपको OCA फाइन लगा सकता है, उस बात का आपको डर है? नहीं, मैं तो जो भी होना, जो भी मेरे साथ हादसा हुआ है, जो भी ये लोग डिसीजन लेगा मैं एक्सेप्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। बिल्कुल, तो आप ये बताइए कि आइंदा ये परेशानी ना हो, आप यंगस्टर्स को क्या सलाह देंगे, क्योंकि आपके साथ ये परेशानी हुई, आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर भी ये दिक्कत हुई, तो आगे जाके ऐसी चीज़ें होंगी, आप कैसे प्रिपेयर रहेंगे इन चीज़ों के लिए इन फ्यूचर, और यंगस्टर्स को क्या सलाह देंगे? बार बार हाँ, आप आगे किन चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि गेम में फ्री एंड फेयर होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और जो पहले जो मैं मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मैं और करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा पूरा देश का चैलेंज है, तो अपना देश के लिए जो मैं बड़ा चैलेंज रखा है उसको मैं अभी पुक करके आना है, तो उससे ज़्यादा मैं मेहनत कर दिन रात में ट्रेनिंग करूँगी अच्छा तरीके से, पूरा मुझे 100% फोकस करना पड़ेगा, इसलिए जो भी मेरा साथ हुआ है सबको भूल के मैं गेम में ध्यान देना पड़ेगा। हम आपके जज्बे को सैल्यूट करते हैं सरिता देवी जी, बट हमें ये भी जानना था कि क्या इसलिए जितने भी प्लेयर्स नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनको इंडियन IOA इंडियन गवर्नमेंट उतना सपोर्ट नहीं करती है, ये कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, खासकर वो खिलाड़ी जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए फैसिलिटीज़ के तौर पे भी, और ऐसी परेशानी और प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसे कोई नहीं फुल सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्ट करते हैं इसकी वजह से तो हम लोग बाहर जाके खेलते हैं, पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, नोरी सपोर्ट नहीं करता ये वो ऐसे कुछ नहीं है, खिलाड़ी आप जो भी जाएगा अपना देश के लिए नाम तो रोशन करना है, नॉर्थ ईस्ट जाओ और हरियाणा वाला जाओ और जो डिजर्व करता है, जो देश का फ्लैग जो नेशन का जो अच्छा कर सकता है उसको भेज रहे हैं अभी तक। तो आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी से मिलने जा रही हैं, आपको लगता है आप उनसे बात करना चाहिए और अपने केस को और फॉरवर्ड करना चाहिए ताकि कुछ हो सके? जो भी जो फ़ोन में तो मैं बात कर चुकी हैं, क्योंकि मैं अभी तो हमारा बाप है पापा, तो स्पोर्ट्स के लिए तो सबसे लीडर है, जो मेरा साथ जो हुआ है उसको फ़ोन में तो बात हो चुकी है, लेकिन फेस टू फेस जाके जो मैं उसके सामने जो मेरा साथ दुख हुआ है उसको उसके साथ बताना चाहती हूँ।
10-16 ओवर कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है आपके तरफ फेवरेबल पॉइंट्स क्या होंगे, कौन कौन सी बातें आपको फेवर ज़्यादा करेंगी, क्या क्या आपके पास फेवरेबल पॉइंट्स होंगे अपने इस ब्रॉन्ज को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी इस हार को जीत में तब्दील करने के लिए आपके पास क्या क्या पॉइंट्स आप उनके सामने रखेंगी जिससे कि वो कन्विंस होंगे? नहीं, वही सिर्फ यही जो गेम में फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सिर्फ जो इंडिया से शुरू करके अपना देश में पहले सुधरना पड़ेगा, सुधर के बाहर जाके हम कुछ कर पाएगा, अपना देश से सुधरने के लिए ये सब करना शुरुआत करना पड़ेगा। कई बार भी इंडिया में भी ऐसे हादसा कई बार पहले भी हो चुके हैं, तो ऐसे दोबारा इंडिया के अंदर में भी नहीं होना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करती हैं, मगर हमें डर है इस बात का कहीं आपको इंटरनेशनल कमेटी IOC या इंटरनेशनल कमेटी जो है वो आप पे बैन ना लगा दे कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों कुछ सालों के लिए, या आप पे हेफ्टी फाइन ना लगा दे। आपको इस बात से डर है कि आप पे ऐसा कुछ हो सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, जो भी है नहीं, जो भी होगा हम फेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जो भी होगा, जो भी मैंने किया है अपना खिलाड़ी आने वाला खिलाड़ी के लिए किया, अपने देश के लिए किया है, तो जो भी पनिशमेंट देगा मैं एक्सेप्ट करेगा, जो कोई मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेरा उम्मीद तो ये है, मैं दोबारा खेल के सबको प्रूव कराना चाहती हूँ, जो अपना देश को जो फ्लैग है थार में रखा है वो नंबर वन में एक बार रख के मैं अपना नेशनल एंथम गा के अपना मन खुशी खुशी अपना